Assalamualaikum, I hope सब लोग ठीक ठाक होंगे। आए साथ चलते हैं वेनिस हिसार का विजिट करने, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ मिल रही हैं और किस टाइप की चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। ये बाज़ार लगता है अलादीन के बिल्कुल बराबर में, जो ग्राउंड खाली है, जो कि अलादीन अब तो ख़त्म हो चुका है और इसकी टाइमिंग है उस 11 बजे से, सुबह 11 बजे से रात 7 बजे तक, और ये लगता है संडे को और वेनसडे को। आप जाइएगा, मतलब 11 बजे से लगना ये स्टार्ट होता है तो 12 साढ़े 12 तक ये पूरा बाज़ार लग जाता है। मैं गई थी तो 1:30 बजे गई थी, तो मतलब ये कि आराम से शॉपिंग हो गई थी, कोई ऐसा रश भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है रश बढ़ता जाता है। ख़ास तौर पर संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए मैं वेनसडे गई थी कि वीडियो भी बना लूँगी, कुछ चीज़ें मुझे परचेस करनी थी। ज़्यादातर मैं चीज़ें आपको दिखाऊँगी होम डेकोरेशन की, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो वीडियो तो स्टार्ट हो ही चुकी है, साथ साथ प्राइजेस भी आपको शो हो रहे होंगे। मैं यहाँ पर आई हूँ, मैट्स वगैरह यहाँ पर मिल रहे थे, जो डोर मेट्स होते हैं, किचन की जो चीज़ें होती हैं, एप्रन वगैरह, दस्तरखान और ग्लव्स भी हैं यहाँ पे। सब के जो है प्राइस साथ साथ मैं मेंशन करती जाऊँगी। ये ओवन के ग्लव्स थे और इसके अलावा जो है इस टाइप के दस्तरखान भी थे, जो हम मतलब ये कि रोटियां उसके अंदर रख सकें, गरम रहती हैं रोटियां, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े के बने हुए ये गोल गोल से दस्तरखान थे। और ये इस तरह के फ्रिज के कवर जो होते हैं, हैंडल के कवर, वो भी थे। ऐसे जो साफियां होती हैं अमूमन घरों में, कुछ भगोने गरम या कुछ भी पकड़ने के लिए होता है, ये 150 में आपको मिल रहा था। बाकी सबके प्राइजेस हैं, ये साफियाँ वगैरह जो घर में डस्टिंग के कपड़े आप यूज़ करना चाहें, या इसे रोटियाँ रखने के लिए रुमाल भी कह सकते हैं आप, वो बनाना चाहें तो ये भी यहाँ पे मिल रहे थे अलग अलग कलर्स में, और फैब्रिक अच्छा था इनका। इसके अलावा ये एक रोटियाँ रखने का एक हॉटपॉट कह सकते हैं आप, बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत सारे इसमें कलर्स अवेलेबल थे, प्रिंट अवेलेबल थे, ये कवर के साथ था, अच्छा खासा इसके अंदर स्पेस था जो रोटियाँ आप आराम से रख सकें। कलर आप चेक कर ही रहे हैं, कॉटन का कपड़ा, ये बेसिकली वो होती है टोकरी स्टाइल की, इसके ऊपर ये कपड़ा वगैरह चढ़ा के खूबसूरत सा बना के फिर ये सेल करते हैं। अच्छा, ये कंफर्टर था और ये डबल बेड का था, इसके प्राइस 2000 के थे और जो सिंगल था वो 1500 में ये दे रहे थे, और ये नए थे जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। अच्छा, अलादीन में ना दो पोर्शन बने हुए, एक पोर्शन पार्ट वन में मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें ज़्यादातर मैं आपको नई ही चीज़ें दिखाऊंगी, और जो लंडा की चीज़ें होती हैं वो पार्ट टू में मैं आपको दिखाऊंगी, जो दूसरी साइड पे हैं। दो पोर्शन बने हुए, और ये इसके अलावा बेडशीट थी, 1000-1200 में ये दे रहे थे, कॉटन की बेडशीट थी जिसमें अजरक स्टाइल की भी थी, और जो गुल टेस वगैरह की चादर्स होती ना थोड़ी मोटी थिक वो भी थी, और बहुत अच्छे लाइट कलर के प्रिंट थे इस पर, और कॉटन भी अच्छी थी। मैंने इनकी बेडशीट ली थी, बाकी जो ये देखें कलर कितने अच्छे हैं, जो गुलडेज की मोटी चादर थी वो आपको 1800-2000 तक की रेंज में मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आपने बार्गेनिंग करवानी है, बताते तो ये 1800 और 2000, 1000-1200। मैंने और भी आप कम करवाएंगे ना, ये वाली जो कॉटन की सिंपल प्रिंटेड बेडशीट है ना, ये आपको 900-800 तक में वो दे देंगे, अगर आपकी बारगेनिंग स्किल अच्छी है तो। ठीक है, तो ये बेडशीट बहुत अच्छी लग रही थी और स्टफ भी अच्छा था इनका, मतलब कॉटन में था। अच्छा, मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है, लीलन जो आजकल बेडशीट चल रही है LED और 3D स्टाइल की, वो और कॉटन में मुझे फ़र्क ये महसूस हुआ कि जो वो चादरें होती ना वो स्लिप होने लग जाती हैं, बेड पे चिपकती नहीं है। मुझे वो वाली बेडशीट ज़्यादा पसंद आती है जो मतलब स्ट्रेट रहे ना, ख़राब ना हो। बहरहाल अपना अपना एक्सपीरियंस है। बाकी ये 400 के कुशन मिल रहे थे फिलिंग के साथ, ठीक है, अलग अलग इसमें प्रिंट थे, प्लेन भी थे और प्रिंटेड भी थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, 400 का बोल रहे थे। इसके अलावा जो कुशंस के खाली कवर थे बग़ैर फिलिंग के, वो 300 में दे रहे थे ये, इसमें भी बहुत अच्छे प्रिंट भी थे, प्लेन भी थे, तो वही चॉइस आ जाती है कि आपने कौन सा पसंद करना है। ये प्लेन भी दिखा रहे थे मुझे, और इसके अलावा ये कम भी कर देंगे अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो।
बचत बाजार में एक यही बात है कि आपको अपनी स्किल को लेके चलना पड़ता है। आप बार्गेनिंग के साथ चलेंगे ना तो फायदे में रहेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे ही लेते रहे उठाते रहे तो बस। बाकी ये कि ये थे क्वेश्चंस, ये दो बिग कवर थे इसमें बड़े वाले क्वेश्चंस के, और चार इसमें छोटे कवर दे रहे थे, छोटे क्वेश्चन के कवर। तो ये पूरा पैक था, ये 700-800 में बोल रहे थे, बाकी कम कर देते, लेकिन इसके प्रिंट बड़े अच्छे थे और फैब्रिक भी अलग अलग था, मतलब कॉटन में भी थे और वैसा जर्सी स्टाइल का, और जो सोफों के कवर का कपड़ा होता है ना ये वाला, ये इस कपड़े में भी थे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा कपड़ों की साइड दिखा रही थी, ओवरव्यू एक आपको लुक दिखा रही हूँ कि बस इस टाइप के कपड़े भी थे शादियों वादियों टाइप के, क्योंकि अब सीजन भी चल ही रहा है तो आपको माइयों के हिसाब से और एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े भी इधर रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा इधर आ गई थी, ये लंडे की शर्ट्स कुछ लगी हुई थी, मतलब प्री लव थे ये शर्ट स्वेटर्स, लेकिन कमाल की क्वालिटी थी, सारे ब्रांडेड ही होते हैं जाहिर सी बात है, लेकिन 200 में ये बोल रहे थे और ये कम भी कर देंगे, कह रहे थे मुझे कि इसमें गुंजाइश निकल आएगी। और इसमें बात ये थी कि ये टैक्स के साथ भी दे रहे थे, मतलब नई भी थी ये, सारी पुरानी पहनी हुई नहीं थे, इसमें नए भी थे कि इसमें बकायदा टैग भी लगे हुए थे। तो हाईनेक भी है और स्वेटर्स थे, ओपन स्वेटर्स होते हैं वो भी थे, वो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये कवर वाले स्वेटर्स थे, पतले वाले स्वेटर्स थोड़े से, क्योंकि अब कराची में इतनी बहुत तो थोड़ी बहुत सर्दी आ ही गई है कि अब ये चल जाएंगे। ये देखें अलग अलग कलर, ये देखें स्वेटर इतना प्यारा है, ये ओपन स्वेटर था, इसके भी बहुत अच्छा लग रहा था ग्रे और ब्लैक वाइट में। इसके अलावा ये जो फ्रंट पे लगा हुआ था ना, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बकायदा इसके बटन्स देखें, स्लीव्स बैगी स्टाइल में थी और बटन्स लगे हुए थे स्लीव्स पे, तो ये एम्ब्रॉयडरी वाले भी इस तरह के स्वेटर, और ये कपड़ा पतला था। अब मैं ओपन वाली साइड पे आ गई थी, जो ओपन स्वेटर होते हैं थोड़े से पतले स्टफ में, तो वो थे, क्वालिटी A1 थी और आप देखें टैग तक लगे हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे इस पे कलर्स भी थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल नीट थे साफ सुथरे, लेकिन फिर भी आपने एक बार वॉश करने के बाद ही यूज करना है। ये देखें इनके कलर्स में दिखा रही थी, येलो कितना अच्छा सा कलर लग रहा था, एक मुझे ग्रीन भी बहुत अच्छा लगा, बाकी बहुत सारे कलर्स थे जो आपकी चॉइस है, जो भी आप पसंद करें। तो जो शुरू शुरू में लगे हुए थे वो मैंने आपको दिखा दिए। अच्छा, ये 150 के हिसाब से दे रहे थे, इधर अलग अलग खुले हुए बर्तन नहीं रखे हुए होते इस टाइप के थे, जिसमें मुख्तलिफ ये स्टील की जो बर्तन रखी है, 100 रुपये का आपको एक मिल रहा था, इसमें से कुछ भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो बहरहाल बर्तनों को तो मैंने इतना कवर नहीं किया, आगे भी मैं करूँगी कुछ डेकोरेशन पीस घर के लिए और किचन के लिए भी चीज़ें मैं वो दिखाऊंगी आपको, लेकिन मैं फिर मैट साइड पे आ गई थी। तो ये 1000 के 2 पीस आपको मिल रहे थे, ये वो मैट थे जो वॉशरूम के आगे रखे जाते हैं, डोर के आगे, जो स्लिप नहीं होते, ये चिपक से जाते हैं, मतलब एक ग्रिफ्ट कर लेते हैं फ्लोर पे, आपके जो आपका फ्लोर होता है उसके ऊपर। तो अच्छी क्वालिटी थी, नए थे बिल्कुल, तो इसलिए इनके प्राइस भी थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन ये फिर भी थोड़ा कम कर देंगे। इसके अलावा ये रग था, मतलब सेंटर कारपेट, 7500 तक का ये बोल रहे थे, कम कर देते लेकिन इधर से मुझे पसंद नहीं आया था, और प्राइस भी जाहिर सी बात है मुझे ज़्यादा ही लग रहे थे, इतना महंगा मुझे लेना नहीं था। मैं लूँगी लंडे वाली साइड से जाके, वहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं और प्राइस भी कम होते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। तो मेरे साथ साथ रहिएगा एंड तक, ये भी वीडियो देखिएगा और नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लें, ताकि मेरा नेक्स्ट पार्ट भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो ये मैं खुलवा के देख रही थी किस तरह के डिज़ाइन है, लेकिन ये मेरे जो है कमरे के हिसाब से उसकी थीम मैच नहीं कर रही थी, मुझे ग्रे और ये वाइट ब्लैक इस थीम पे चाहिए था। इसके अलावा अब मैं इधर आ गई थी, ये 1000 का लैम्प दे रहे थे आपको, वुडन का बना हुआ था ये, और बहुत प्यारे डिज़ाइंस बने हुए थे इसमें, अच्छे लग रहे थे।
और डेकोरेशन पीस भी मुझे देखने थे, तो मैंने कहा इसके साथ साथ मैं आपको भी दिखा दूं। और ये था वॉल पे लगाने का, ये हैंगिंग कुछ ऐसा था, इसमें लाइट जलती है और इन्होंने वो भी दिया हुआ है स्विच वगैरह, और इसका जो तार है ये देखें ये दिया हुआ है, आप लगाएं तो इसमें बल्ब लग के लाइट जलती है, तो बहुत खूबसूरत लगता है ये वॉल पे लगा हुआ। इसके अलावा ये कुरान मजीद का बॉक्स है जिसमें आप सेफ रख सकें कुरान शरीफ, 1500 के ये दे रहे थे चीज़ें, और इसमें और भी डिज़ाइंस कवर वगैरह कलर अवेलेबल थे। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें थी जो वुडन के उसमें बनी हुई थी, ये की होल्डर मोबाइल रखने के लिए कुछ भी आप रख सकते हैं इसमें, 150 का आपको दे रहे थे। छोटी छोटी चीज़ें थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, प्यारी सी। इसके अलावा ये देखें टिश्यू बॉक्स भी रखा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये 320 का आपको एक प्लेटर दे रहे थे, इतना बड़ा ये प्लेटर भी नहीं कहेंगे, समझे इसको आप पूरा चावल निकाल सकते जैसे बिरयानी वगैरह निकालते हैं, इतने बड़े थे ये तीनों। ये 650 में आपको तीनों मिल रहा था, तीन का सेट मिल रहा था। इसमें भी प्रिंट थे, कलर्स थे, डिज़ाइंस थे, अलग अलग आपको अवेलेबल थे। ये 550 की पूरी जैसे बिरयानी की एक ट्रे होती है ना, इस तरह की है ये बड़ी, वो दे रहे थे। ये देखिए कितना बड़ा था, चौकोर साइज में था इसके। और इसके अलावा पूरे इसको मैच करके आप सेट भी ले सकते थे। ये सिंगल पीस का मैं आपको प्राइस बता रही हूँ। बहुत सारे इसमें प्रिंट थे, कलर्स थे, और बहुत अच्छे भी लग रहे थे, क्वालिटी भी अच्छी थी, मतलब कोई लो क्वालिटी के नहीं थे। इसके अलावा इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी बर्तनों की जो आपको नज़र आ रही है, प्लेट्स वगैरह और भी डिज़ाइंस में थे, तो प्राइस कम थे, और वॉल वगैरह भी थे, ट्रे ज़्यादा थी, इस तरफ रखी हुई थी और उस तरफ प्लेट्स और वो रखे थे। अच्छा, ये वो डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए आप कप और ग्लास के जो वो होते हैं रखने के लिए था, ये 350 का आपको मिल रहा था, एक छः थे इसमें। अच्छा, मैं इधर आ गई थी बर्तनों वाली साइड पे, तो ये वो था रैक था बर्तन रखने के लिए, इसमें नीचे ट्रे भी लगी हुई थी जो अगर पानी वगैरह आ जाता है, हम बर्तन धो के रखते हैं और वो पानी नीचे कहीं फर्श पे ना चला जाए तो उधर ना गिर जाए, तो वो ट्रे आप ऐसे कैसे खाली कर ले, वो ट्रे में आ जाता है सारा पानी। इसके अलावा इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी, ये 1300-1500 की रेंज में मसालों के डब्बे वगैरह भी दे रहे थे, जिसमें चार के साइज़ भी थे जो आपको 1300 में मिल रहा था, और ये आपको 1500 में मिल रहा था क्योंकि ये 6 का सेट था। ये वुडन कलर में था इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा जो है वो और भी ये सिंपल कलर्स भी थे, जैसे ये स्काई ब्लू नज़र आ रहा है आपको, और भी कलर्स थे जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, जिसमें जो 1300-1300 के थे, ये वुडन के कलर की वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा मिल रहा था, ये 1800, और इसके साइज़ जो थे उसके हिसाब से पैसे थे, 1800-2000 में भी बोल रहे थे। अच्छा, मैं ये एक स्टॉल था जहाँ पे आपको चावल सौदा वगैरह सारी चीज़ें मिल रही थी ना, वहाँ पे पूरा बड़ा एक होते हैं स्टॉल इस टाइप के भी, तो ये चावल के रेट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें सेला भी हैं, पुनिया चावल भी हैं, और कुछ तो ऐसे चावल थे जिनके नाम भी मुझे नहीं पता, मैंने बस सेला के ही पूछे, तो 1 किलो 330 के दे रहे थे ये, और मुझे शॉप का भी नहीं पता कि कितने वहाँ मिलते होंगे, लेकिन यहाँ पे तो 330 के ये 1 kg दे रहे थे, और सेला भी थे, बासमती भी थे, और बहुत सारे राइस थे। इसके अलावा दालें वगैरह जिनके सबके रेट आपको आइडिया हो रहा होगा देख के। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी इनके पास जो कि ये बेच रहे थे। अच्छा, ये टोट बैग से 50 रुपीज़ का एक दे रहे थे, और बहुत सारे इसमें कलर्स और कलर्स के अलावा डिज़ाइंस चेंज थे, बड़े अच्छे मजबूत से होते हैं ये, लड़कियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में आजकल इसी तरह के लेना पसंद भी करती हैं, और बहुत अच्छे रहते हैं, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, या बुक्स वगैरह यूनिवर्सिटी जा रही हैं कॉलेज जा रही हैं तो इस टाइप के रख लें, लैपटॉप तक आ जाएगा आपका इसके अंदर आराम से, तो बड़े अच्छे अच्छे लड़कियों के हिसाब से इसमें डिज़ाइंस थे और कलर भी अवेलेबल थे। अच्छा, अब यहाँ तक मेरा पार्ट वन ख़त्म हो गया है, पार्ट वन के लिए मैं दूसरी साइड पे अब जाऊँगी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ जाते हुए, तो फिर नेक्स्ट मेरी वीडियो का वेट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।